हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो दोस्तों, भारत में कैसे अंग्रेजों की जो कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने शुरुआत में तो दोस्तों ये भारत में व्यापार करने आए, लेकिन धीरे धीरे ये भारत की बहुत सारे टेरिटरी यानी बहुत सारे जो जमीन है उसको कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर जो है रूल करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है निरंकार। दोस्तों आपको पता है औरंगजेब जो है मुगल एम्परर का सबसे पावरफुल लास्ट रूलर था। इसके बाद जो रूलर आए, जितने भी राजा वगैरह आए, वो बहुत ज्यादा कमजोर थे दोस्तों, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट थे और जो भी फॉरेन पावर्स आ रही थी भारत में उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए दोस्तों, ठीक है। और बाद में ये जो फॉरेन पावर आई, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई इस औरंगजेब के बाद, भाई हम लोग जो है भारत में अपना रूल स्टेब्लिश कर सकते हैं, और ऐसा ही हुआ भी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट में आती है, ईस्ट मतलब भारत में। आपको पता है लंदन जो है हमारे इंडिया का, यहाँ पे अगर मैप इंडिया का अगर मैप देखा जाए तो हमारा यहाँ पे तो लंदन कुछ यहाँ पे, तो ये लोग ईस्ट में आए। तो कहने का मतलब है कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। दोस्तों ये समय है 1600 का और यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट किससे दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी, इनसे दोस्तों एक एग्रीमेंट या कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसके तहत इन लोगों को अधिकार मिल गया कि ईस्ट में जितने भी देश हैं और जिसमें भारत भी इंक्लूड है, यहाँ पे आप व्यापार करोगे और ये आपका एकमात्र अधिकार है। याद रखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकमात्र अधिकार मिला किससे, क्वीन एलिजाबेथ वन से, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए भारत में ऑलरेडी एक पर्सन आ चुके थे, वो थे पोर्तुगीज लोग। याद रखिए अंग्रेजों से पहले पुर्तगाल के जो लोग थे ये लोग भारत में पहले ही आ चुके थे और ये भारत के वेस्टर्न कोस्ट में बस चुके थे। आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है दोस्तों, ये है वेस्टर्न कोस्ट और ये है ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट में बस चुके थे और भारत में जो पुर्तगाल का पहला बंदा आया था उसका नाम था वास्को डगामा, ठीक है दोस्तों। इसने भारत का जो कहने का मतलब है खोज करी थी इसने 1498 में, खोज तो नहीं कहेंगे लेकिन जो समुद्र के जरिए जो रास्ता है इसने सबसे पहले पता लगाया था 1498 में, ये भारत में आ गया था, ठीक है। दोस्तों भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये लोग यहाँ से बहुत सारे गुड्स सस्ते दामों पर खरीद कर लेके जाते थे और बाद में यूरोप में इन्हें बहुत ही महंगे महंगे दामों पर बेचते थे। इन्हीं में से दोस्तों जैसे कि फेमस था कॉटन सिल्क, ठीक है, कॉटन सिल्क जो था इसकी दोस्तों बहुत ज्यादा मांग थी यूरोप के मार्केट में। इसके अलावा पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, कार्डमम हो गया, चिनमम हो गया, ये जो दोस्तों सारे के सारे प्रोडक्ट थे ग्रेट डिमांड में थे, कहाँ पर दोस्तों, यूरोप में, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके ऑफिशियल्स जो थे बहुत सारी वेल्थ दोस्तों ट्रेड के जरिए यहाँ से पकड़कर लेके गए, कहाँ पे, यूरोप में दोस्तों, ठीक है। और अर्ली 17वीं सेंचुरी तक दोस्तों डच और फ्रेंच भी भारत में आ गए। इन लोगों ने देखा कि भाई अंग्रेज लोग जो है बहुत ही व्यापार कर करके दोस्तों पैसा कमा रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा कि डच लोगों ने सोचा और फ्रेंच लोगों ने सोचा चलो हम भी भारत में चलते हैं और भारत का जो व्यापार है, भारत के से जो सस्ती सस्ती चीजें हैं, पेपर क्लोथ सिनेमाम वगैरह ये सब चीजें खरीदते हैं, कॉटन वगैरह, और यहाँ यूरोप की मार्केट में हम भी आकर बेचते हैं। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, इतनी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, देखिए दोस्तों पुर्तगाल आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, तो इनके बीच में दोस्तों क्या कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा बढ़ने लगा, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, जब कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा तो भाई इन कंपनियों को पता चलने लगा कि भाई ऐसे तो व्यापार हो नहीं पाएगा, हम लोगों को एक दूसरे को मतलब हर कोई सोचने लगा, डच भी सोचने लगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों की थी, ब्रिटेन की थी, ये भी सोचने लगे, इसके अलावा फ्रेंच वगैरह भी सोचने लगे कि हम लोगों को ये जो हमारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं मार्केट में, प्रतिद्वंदी आ गए हैं, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। इसी वजह से होता है क्या दोस्तों, यही जो सारी कंपनी है बाद में बहुत सारी बैटल्स भी लड़ती हैं, याद रखिए इन ट्रेड कंपनीज के बीच में बाद में बहुत ज्यादा बैटल्स भी होती हैं, ठीक है। Efforts to fortify settlements and carry on profitable trade led to intense conflict with the local rulers too. इसके अलावा दोस्तों ये ट्रेड का जो प्रॉफिट था, याद रखिए व्यापार के लिए जो व्यापार से जो इनको प्रॉफिट हो रहा था, इसको लेकर दोस्तों लोकल रूलर्स से भी काफी बार इन कंपनियों को लड़ाई लड़नी पड़ी। ये आपस में तो लड़ी लड़ी दोस्तों बहुत सारी जंग, इसके अलावा जो लोकल रूलर्स थे भारत में उनसे भी लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, ठीक है। ये देखिए
भारत का लास्ट रूलर था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। इसको और इसके बेटों को दोस्तों अरेस्ट कर लिया जाता है, किसके? हॉडसन द्वारा, और बाद में इनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है ट्रेड रूट इंडिया का 18th सेंचुरी की शताब्दी में दोस्तों, 18वीं शताब्दी में ये है, ये रहा दोस्तों ब्रिटिश या इंग्लैंड कह लीजिए दोस्तों, यहां से दोस्तों ये नाव चलाकर आते थे। पहले इन लोगों को ये रास्ता नहीं पता था, आज के टाइम पे तो दोस्तों ये मेडिटेरियन सी और ये वाला सी है रेड सी, यहाँ से व्यापार होता है, लेकिन उस समय पे 18th सेंचुरी पे इस ये जो रास्ता है इन लोगों को मालूम नहीं था, बहुत लंबा ट्रेवल करके आते थे यहाँ से केप ऑफ गुड होप से, जो कि साउथ अफ्रीका में है केप ऑफ गुड होप, यहीं से दोस्तों भारत में व्यापार और ईस्ट एशिया वगैरह से भी व्यापार करते थे। अब समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शुरुआत करती है ट्रेड यानी व्यापार जो है बंगाल में शुरू करती है। दोस्तों अंग्रेजों ने सबसे पहली जो फैक्ट्री अपनी स्थापित करी थी वो हुगली नदी के पास करी थी, याद रखिए हुगली नदी के पास करी थी 1651 में। ठीक है, औरंगजेब ने ही दोस्तों 1651 में एक फरमान इशू करा था अंग्रेजों को कि भाई आप अपनी जो है कंपनी स्थापित कर लो, और उसके बदले दोस्तों क्या कर दिया, कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। याद रखिए औरंगजेब ने इनको राइट दे दिया था कि आप जो है क्या कहते हैं ट्रेड कर सकते हो, वो भी ड्यूटी फ्री, यानी आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी। ये अधिकार 1651 में ही ईस्ट इंडियन कंपनी को मिल गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। आपको पता है ना औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। ठीक है, बाद में दोस्तों कंपनी धीरे धीरे क्या करने लगी, धीरे धीरे दोस्तों ये जो है जो भी इनको ड्यूटी फ्री का मतलब कहने का मतलब है, एक तरीके का हेल्प मिल रखी थी, उसको धीरे धीरे ये क्या करने लगे, और ज्यादा कंसेशन पाने के लिए जो भी इनको एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस मिले थे उनको मैनिपुलेट करने लगे दोस्तों, और ज्यादा ज्यादा धीरे धीरे और प्रॉफिट कमाने लगे। ठीक है, फॉर ट्रेडिंग पर्पस पासेस वर इशूड टू कंपनी ऑफिशियल्स बट दे मिसयूज दीज पासेस फॉर प्राइवेट ट्रेड एंड अकुमुलेट वेल्थ ऑन द नेम ऑफ कंपनी। जो पासेस कंपनी को मिल रखे थे ठीक है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बाद में धीरे धीरे इन्हीं ट्रेडिंग पासेस को जो पर्सनल या प्राइवेट लोग थे दोस्तों वो भी ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने लगे, और वो जो है कंपनी का ट्रेड नहीं कर रहे थे, खुद का खुद प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। अब प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे इसकी वजह से हुआ क्या, ये लोग जो है बहुत सारी वेल्थ को इकट्ठा कर लेते हैं कंपनी के नाम पर पर्सनल यूज के लिए दोस्तों। ठीक है, इससे हुआ क्या, धीरे धीरे जो प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिये ये अंग्रेजों की कंपनी थी, इसको दोस्तों बहुत सारा लॉस भी झेलना पड़ा। ठीक है, बाद में दोस्तों अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि भाई ऐसी जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, प्राइवेट लोग जो है क्या कहते हैं कंपनी के नाम पे ऐसे धोखाधड़ी ना कर पाए, तो बाद में इसको लेकर सुधार भी करे गए। 1696 आते आते तक दोस्तों कंपनी जो है क्या कहते हैं फोर्ट भी बनाना इसने शुरू कर दिया, बड़े बड़े किले बनाना भी शुरू कर दिया, जहां पे इन लोगों की कंपनी थी उसी के आसपास बहुत बड़े बड़े किले भी बनाना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं दोस्तों लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द शिप इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इतना बड़ा किला बना रखा है, यहीं पे ट्रेड कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे मद्रास के पास, और यहीं पे दोस्तों इन्होंने अपनी बड़ी फैक्ट्री बना ली और किला भी बना लिया। ठीक है, 2 सालों के बाद द कंपनी ब्राइब्ड द मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग देम जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। धीरे धीरे क्या करा अंग्रेजों लोगों ने दोस्तों, मुगल के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको रिश्वत खिलाने लगे और बोले कि उन्हें क्या बोलने लगे कि भाई हमें भी जो जमींदारी है उसके अधिकार दे दो, और बाद में इन्हें दोस्तों 3 villages के जो जमींदारी अधिकार है वो भी मिल गया। जमींदारी अधिकार का मतलब होता है कि भाई अब तो आपको वहां से रेवेन्यू आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सारा का सारा अब आपका रूल है, उतने 3 villages पे आपकी मर्जी है, जो कुछ करना चाहो करो। और एक विलेज जो था इन्हीं में से दोस्तों, वन ऑफ द विलेज वॉज कलिकाता, जिसे कोलकाता कहते हैं दोस्तों, याद रखिए इसका भी इनको अधिकार मिल जाता है 1698 में, याद रखिए 1698 में इनको अधिकार मिल जाता है। अब समझते हैं हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी ये भाई अंग्रेज लोग व्यापार करने आए थे लेकिन ये लड़ाई में कैसे उलझ गए। ठीक है, द कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, ठीक है, कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में दोस्तों जो लड़ाई है बहुत ही ज्यादा भिड़ंत हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आपको पता है औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब आए वो धीरे धीरे अपनी पावर जो है बंगाल पे क्या कहते हैं स्थापित करने लगे। आपको पता है ना बंगाल में सबसे पहले गवर्नर कौन था, वो था मुर्शिद कुली खान, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दोस्तों, पिछले क्या कहते हैं 7th class की बुक में हमने पढ़ा है, मुर्शिद कुली खान जो है गवर्नर था बंगाल का। उसके बाद दोस्तों आया था अली वर्दी खान,
और अली वर्दी खान के बाद बंगाल का जो गवर्नर बना था वो था दोस्तों कौन, सिराजुद्दौला। याद रखिए सिराजुद्दौला ये जो है बंगाल का नवाब बना था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन एज इट वॉज मेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल ट्रेड लेस प्रॉफिटेबल। तो हुआ क्या दोस्तों, जब सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था या क्या कहते हैं राजा था, तो इसके टाइम पे इसने क्या करा, कंपनी को जो भी कंसेशन मिल रखे थे पहले ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का जो भी मतलब कंसेशन मिल रखा था, अब इसने बोला नहीं नहीं हम जो है आपको ये कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, क्योंकि आप जो है व्यापार कर रहे हो उससे जो है बंगाल का जो ट्रेड है, बंगाल की ट्रेड की वजह से हम लोगों को जो है रेवेन्यू इतना प्राप्त नहीं हो रहा, हम लोग जो है लॉसेस में जा रहे हैं, तो हम लोग जो है आपको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, ऐसा इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला। तो हुआ क्या दोस्तों, ब्रिटिश वॉन्टेड द ड्यूटीज टू बी अबोलिश्ड बट बंगाल नवाब रिफ्यूज्ड। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि भाई हमारी जो ड्यूटीज है उनको खत्म कर दो, हमें जैसे पहले व्यापार करते थे वैसे करने दो, लेकिन नवाब ने बोला नहीं। तो हुआ क्या दोस्तों, ब्रिटिश ऑफिसर्स न्यू द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल एंड ट्राइड देयर ऑटोनॉमी बाय यूज ऑफ फोर्स। अब ब्रिटिश लोगों को गुस्सा आने लगा, बोला कि भाई हम लोगों को पता है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है और हम लोग जो है अब फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप हमें ड्यूटी फ्री जो है व्यापार नहीं करने दोगे तो हम जो है अपना फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और व्यापार हम करके ही रहेंगे। अब होता क्या दोस्तों, जब अंग्रेज जो है मनमानी करने लगे फोर्स का इस्तेमाल करके, तो अब लड़ाई होती है दोस्तों जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। ठीक है, अली वर्दी खान जो है आपको पता है मर गया था, और अब कौन राजा है, सिराजुद्दौला राजा है दोस्तों। सिराजुद्दौला याद रखिए 1756 में राजा बना था। तो इसने क्या करा दोस्तों, द कंपनी स्टार्टेड टू इंटरवेन इन द अफेयर्स ऑफ सिराजुद्दौला हु वॉन्ट द कंपनी एंड आस्क्ड इट टू स्टॉप मेडलिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ डोमिनियन ऑफ हिज डोमिनियन। तो दोस्तों इसने शुरुआत में सिराजुद्दौला ने काफी धमकी दी अंग्रेजों को कि भाई आप जो है व्यापार कीजिए और जितना टैक्स वगैरह वो दीजिए, और आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है दखल अंदाजगी करना बंद कीजिए। लेकिन दोस्तों जब अंग्रेज लोग जो है नहीं है माने, मैंने बताया ना अंग्रेज लोग जो है जबरदस्ती करने लगे और फोर्स का इस्तेमाल करने लगे, तो धीरे धीरे हुआ क्या दोस्तों, ये सिराजुद्दौला आया दोस्तों, कहां पे आया दोस्तों, इनके फोर्ट पर 30,000 सोल्जर्स को लेकर, और इसने कंपनी के ऑफिसर्स को दोस्तों क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, और इंग्लिशमैन को भी जो भी अंग्रेज लोग थे उनको पकड़ लिया और उनको एक कमरे में बंद करके कई लोगों को दोस्तों एक कमरे में भी बंद कर दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये जो है कलकत्ता की तरफ बढ़ता है और वहां पे अपना जो कंट्रोल है कंपनी का जो फोर्ट था, कंपनी का जो किला था, उस पर अपना जो कब्जा है जमा लेता है, कौन, सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, When the news of company's fall in Calcutta spread, the company officials in Madras sent forces under command of Robert Clive. जब अंग्रेज लोगों को पता चलता है कि भाई हमारा जो कलकत्ता में फोर्ट है उस पर कब्जा कर लिया गया है, तो मद्रास की जो फोर्सेस है रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत भेजी जाती हैं कि, और इनको बोला जाता है कि आप देखो कि कैसे ये कलकत्ता जो है इन्होंने कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने, और बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है लड़ाई लड़ने आता है। ठीक है, और याद रखिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है कंपनी की आर्मी को लीड करता है और सिराजुद्दौला से लड़ाई करता है, कौन से युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। ठीक है, तो समझ में आया, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है, ये जो सिराजुद्दौला है हार जाता है। क्यों हार जाता है दोस्तों, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर, याद रखिए मीर जाफर जो है अंग्रेजों के साथ मिल गया था और अंग्रेज ने इसे प्रॉमिस कर दिया था कि अगर आप हमारा साथ दोगे, कहने का मतलब है आप लड़ाई ही नहीं लड़ोगे, चुपके से आप बस पीछे रह जाना और लड़ाई मत लड़ने आना, बाद में हम आपको क्या बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे दोस्तों। तो ये जो मीर जाफर था ये लड़ाई ही लड़ने नहीं आया, ये कमांडर था याद रखिए किसका, सिराजुद्दौला का। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, अब क्या होता है सिराजुद्दौला हार जाता है, इसको मार दिया जाता है, उसके बाद जो है किसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है, मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। लेकिन रियल पावर जो है दोस्तों अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी, ये तो सिर्फ नाम मात्र का राजा था मीर जाफर। द बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों इतनी फेमस क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये पहली मेजर विक्ट्री है किसकी, कंपनी की, कंपनी इन द सेंस अंग्रेजों की बोल लीजिए या ब्रिटेन की बोल लीजिए, ये पहली मेजर विक्ट्री है भारत के ऊपर। ठीक है, इसके बाद दूसरी बैटल होती है दोस्तों जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। इसमें दोस्तों आपको पता है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था, उसके बाद दोस्तों जो नवाब बना था मीर जाफर बना था, अभी मैं समझा, लेकिन मीर जाफर जो है कंपनी के मामलों में धीरे धीरे क्या कहते हैं दखलंदाजगी करने लगता है, तो कंपनी को गुस्सा आ जाता है। तो उसके बाद जो कंपनी है दोस्तों
क्या कहते हैं मीर कासिम को जो है नवाब बना देती है। याद रखिए मीर कासिम को नवाब बना देती है, किसको हटाकर, मीर जाफर को हटाकर। ठीक है, याद रखिए कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल जो चीज है वो अपने हाथ में नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी कंपनी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अपने ट्रेड को बढ़ावा देना, बस उनके ट्रेड में कोई दखल अंदाजगी ना आए, इसीलिए जो है राजा जो है एक इनके पपेट का हाथ का ही है। याद रखिए दोस्तों अभी भी जो डायरेक्ट पावर है अंग्रेज लोग अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। तो अब राजा कौन बन गया दोस्तों, मीर कासिम बन गया। ठीक है, लेकिन मीर कासिम भी दोस्तों इसको पता चल गया कि मुझे राजा तो बना दिया गया है लेकिन मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। तो मीर कासिम भी जो दोस्तों अंग्रेजों के मामले में बाद में दखल अंदाजगी करने लगता है। तो इसी के साथ मीर कासिम के साथ ही दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर होती है, यानी बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, और मीर कासिम को इस बक्सर की लड़ाई में हरा दिया जाता है और फिर से दोस्तों फिर से मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। याद रखिए बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम हार जाता है और मीर जाफर जिसको हटा दिया था लेकिन बाद में इसी को अंग्रेजों ने बोला कि भाई आप ही बैठो, आप ही गद्दी संभालो। ठीक है, इसके बदले में दोस्तों लड़ाई लड़ी तो इसको गुस्सा आ गया अंग्रेज लोगों को और इन्होंने बोला कि हर महीने अब आप हमें 5 लाख रुपए दोगे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, अंग्रेज लोगों ने खाम खा की मतलब लड़ाई लड़ी भी नहीं और इतना नुकसान भी नहीं हुआ, अब और भी ज्यादा पैसा वसूलने लग गए, कहां से, बंगाल से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। लेकिन जब दोस्तों मीर जाफर अब राजा बन गया लेकिन मीर जाफर की दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1765 में, उसके बाद कंपनी का मूड बदल जाता है और बोल देते हैं दोस्तों भी वो सोचने लगते हैं अंग्रेज लोग कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ऑफ नवाब्स बाय आवरसेल्फ्स। तो अब दोस्तों अंग्रेजों के दिमाग में ख्याल आता है कि हम लोग जो है हम लोगों को खुद नवाब बन जाना चाहिए। तो होता क्या है, 1765 में मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो बाद में मुगल एम्परर तो नाम मात्र के ही है दोस्तों, मुगल एम्परर ने क्या करा, दिल्ली में जो बैठे थे इन्होंने अंग्रेजों को ही, याद रखिए अंग्रेजों को ही कंपनी का क्या नियुक्त कर दिया, दीवान नियुक्त कर दिया। अभी भी दोस्तों मुगल एम्परर कुछ है नाम मात्र के ही है लेकिन वो मैंने बताया था ना फॉर्मल टाइज बसती है, बस फॉर्मल रिलेशंस बना के रखते हैं मुगल एम्परर से, वो नाम मात्र के ऐसे कठपुतली वाले। तो इन्होंने क्या करा, मुगल एम्परर ने अंग्रेजों को ही बंगाल का क्या बना दिया दोस्तों, दीवान बना दिया, है ना, दीवान। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। दीवानी मतलब क्या होता है, दीवानी में दोस्तों रेवेन्यू राइट्स मिल जाते हैं, है ना, पैसा कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। अब भाई पैसा कलेक्ट करने का राइट मिल गया तो भाई अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो टेंशन क्या थी कि ब्रिटेन जाना, वहां से गोल्ड सिल्वर खरीद के लेके आना, वहां से लेके आना ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर, और उस गोल्ड सिल्वर के बदले यहाँ भारत से जो चीज है वो खरीद के लेके जाना और फिर बाद में बेचना। अब देखिए इन्हें ना तो गोल्ड लाना पड़ेगा ना सिल्वर लाना पड़ेगा ब्रिटेन से, यहीं से पैसा इकट्ठा करेंगे, यहीं की चीजें खरीदेंगे और बाद में यहीं की चीजें कहाँ बेचेंगे, जाके अपने यूरोपियन मार्केट्स में बेचेंगे जाके दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे बहुत सारे कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे यानी नौकर थे वो जो है नवाब्स अपने आप को समझने लगे, नवाब्स, है ना, ये बोल नहीं पाते थे अंग्रेज लोग तो इसीलिए इन्होंने नवाब को नबूब्स बोल दिया था दोस्तों, नबूब्स तो उसका मतलब ही होता है नबूब्स का नवाब। तो अंग्रेज के बहुत सारे ऑफिशियल जो है अब अपने आप को नवाब समझने लगे। ठीक है, नवाब्स का मतलब क्या होता है ये दोस्तों, आप मैंने ये बता दिया एंग्लाइज्ड वर्जन है नबूब्स, ये अंग्रेज लोग जो बोल नहीं पाते थे दोस्तों। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है इनमें से सबसे फेमस ऑफिशियल है जो अपने आप को नवाब समझ बैठा और एक्चुअली बन भी बैठा था। और रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों याद रखिए ये जो है मद्रास जो आज का चेन्नई है यहां पर आया था भारत में, याद रखिए इंग्लैंड से 1743 में, याद रखिए भारत में ये आया था मद्रास में 1743 में, जब इसकी उम्र मात्र 18 साल की थी रॉबर्ट क्लाइव की। और जब दोस्तों ये 1766 में 1767 में दोस्तों जब वापस ये इंडिया छोड़कर कहां जाता है, ब्रिटेन जाता है, तो दोस्तों ये अपने साथ अरबों की दौलत लेके जाता है, करोड़ों की दौलत लेके जाता है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ नहीं था जब भारत में आया 1743 में, और अगले 20 सालों में ही लगभग इसने करोड़ों रुपए कमा लिए और ब्रिटेन में जाकर अच्छी जिंदगी जीता है। लेकिन दोस्तों बाद में जब बाद में इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, 1764 में, तो दोस्तों इसको कंपनी ने रिमूव कर दिया था करप्शन के चार्जेस पर। याद रखिए कंपनी को पता चल गया था कि भाई इसने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया 20 सालों में ही, तो कंपनी को पता चल गया था, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इसने कुछ ना कुछ करप्शन करी है जिसकी वजह से इसने इतना पैसा कमाया है। ठीक है,
बाद में इसी के ऊपर दोस्तों आपको पता है क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ था 1772 में ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, इसके ऊपर दोस्तों मुकदमा भी चला था रॉबर्ट क्लाइव पे। दोस्तों बाद में क्या हुआ, मुकदमा भी चला था ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, जो है क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ठीक है। बाद में दोस्तों इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ये जो दोस्तों है रॉबर्ट क्लाइव बाद में सुसाइड कर लेता है, ठीक है 1774 में। तो हमने पढ़ लिया कि ऑफिशियल जो है कंपनी के, इन्होंने कैसे करप्शन करी और अमीर बन गए। अब समझते हैं कंपनी रूल एक्सपेंस, अब कंपनी का जो रूल है कैसे बढ़ता है इसको समझते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी स्टार्टेड अपॉइंटिंग रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुई उसके बाद कंपनी जो है धीरे धीरे रेजिडेंट्स को क्या कहने अपॉइंट करना शुरुआत कर देती है। याद रखिए रेजिडेंट्स को अपॉइंट करना शुरुआत कर देती है इंडियन स्टेट्स में। रेजिडेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, एक अपने नौकर अब बना दिए और जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें ये अंग्रेजों के ही नौकर बैठेंगे और वो देखेंगे अंग्रेजों की तरफ से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों अपना रूल बढ़ाने के लिए एक नई तरीके की अलायंस शुरू करी जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। याद रखिए सब्सिडरी अलायंस शुरू करी थी। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा पैक्ट कह लीजिए जिसके जरिए इंडियन रूलर्स को दोस्तों अलाउड नहीं था कि आप अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस रख सको, इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रख सको। यानी जो भी भारत के राजा हैं जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली अंग्रेजों के साथ, तो उसके बाद अंग्रेज के जो भारत के राजा हैं उनको ये अलाउ नहीं था कि आप अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रख सको, उनको आर्मी रखने का अधिकार ही नहीं था। आर्मी सिर्फ अंग्रेज रखेंगे और अगर राजा पे कोई हमला वमला होता है तो उसके राजा के बिहाफ पर लड़ेगा कौन, अंग्रेज लोग लड़ेंगे। बस उसके बदले में करना क्या है, राजा को बहुत सारा पैसा देना अंग्रेज को। ये सब्सिडरी अलायंस दोस्तों जो है हैदराबाद ने साइन करी, ठीक है अवध ने साइन करी दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए रिचर्ड वेल्सली जो है गवर्नर जनरल थे ये भारत के 1798 से लेकर 1805 तक, इन्होंने ही ये सब्सिडरी अलायंस शुरू कर दी करी थी, जिनका नाम है याद रखिए गवर्नर जनरल, जिनका नाम है वेल्सली। याद रखिए रिचर्ड वेल्सली ने ये सब्सिडरी अलायंस शुरू कर दी। सब्सिडरी अलायंस का ये एग्जांपल है एक अवध दोस्तों, इसको अपनी आधी टेरिटरी जो है कंपनी को देनी पड़ गई थी। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये सब्सिडरी अलायंस का जो पैसा था दोस्तों वो दे नहीं पा रहा था। याद रखिए सब्सिडरी का जो फोर्सेस का पैसा था वो दे नहीं पा रहा था, तो जिसकी वजह से हुआ क्या था, अंग्रेज लोगों ने या कंपनी ने अवध का आधा हिस्सा कब्जा लिया था। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू सी टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। तो हैदराबाद की भी बहुत सारी जो टेरिटरीज हैं सब्सिडरी अलायंस के तहत ही बहुत सारी जो टेरिटरी है कब्जा ली थी, क्योंकि दोस्तों हैदराबाद भी जो है बहुत सारा पैसा दे नहीं पा रहा था अंग्रेजों को उनकी आर्मी मेंटेन करने के लिए। आप समझते हैं टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। दोस्तों टीपू सुल्तान ने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसको समझते हैं। जो मैसूर है आपको पता है आज का कर्नाटक जो राज्य है उसी को पहले मैसूर बुलाते थे, ठीक है। मैसूर जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर सच एस हैदर अली। हैदर अली याद रखिए 1761 से लेकर 1782 तक इसने रूल करा था, उसके बाद हैदर अली का बेटा था जिसका नाम है टीपू सुल्तान, इसने 1782 से लेकर 1799 तक भारत में रूल करा था। भारत में नहीं कहेंगे बट मैसूर में, मैसूर मतलब आज का जो कर्नाटक है। तो इन दोनों राजाओं के अंतर्गत मैसूर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं किंगडम बन के निकला था। मैसूर जो है आपको पता है मालाबार कोस्ट में आता है, अगर हम भारत का नक्शा देखें ना तो ये भारत का नक्शा, तो यहाँ पे दोस्तों कर्नाटक यहाँ पे आता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डमम, यहीं से दोस्तों मालाबार कोस्ट से कंपनी जो है पेपर और कार्डमम वगैरह खरीदती थी। 1785 में दोस्तों टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड कार्डमम एंड सेंड वुड थ्रू हिज किंगडम, किंगडम्स सपोर्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। तो 1785 में हुआ क्या, टीपू सुल्तान को गुस्सा आ गया और इसने बोला कि भाई पेपर कार्डमम और सैंडलवुड का जो व्यापार होता है अंग्रेज लोग यहाँ से व्यापार करते हैं वो नहीं करेंगे, और जो भी लोकल मर्चेंट्स थे लोकल व्यापारी थे उनको भी बोल दिया कि आप जो है अब कंपनी के साथ व्यापार नहीं करोगे, क्योंकि कंपनी जो है बहुत ही अनजस्टिफाइड तरीके से व्यापार कर रही है, ना तो वो हमें ड्यूटी देते हैं अच्छे से, ना ही वो टैक्स देते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों टीपू सुल्तान फेमस है किसके लिए दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपनी जो आर्मी है उसको बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करा था, किसकी मदद से, फ्रेंच की, इसने बहुत ज्यादा मदद ली। फ्रेंच भी आपको पता है इस टाइम पे भारत में थे, तो इसने फ्रेंच की बहुत ज्यादा मदद ली और उनकी मदद से अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करा, ठीक है। आउट ऑफ द फोर वॉर्स, याद रखिए टीपू सुल्तान और इसके पिता याद रखिए हैदर अली, इन लोगों ने मिलकर टोटल अंग्रेजों के साथ चार लड़ाई लड़ी। याद रखिए चार लड़ाई लड़ी, कौन कौन सी, एक तो थी दोस्तों
1767 to 1669 दोस्तों ये पहली वॉर थी, दूसरी वॉर थी 1782-1784 और तीसरी वॉर थी 1792 और चौथी जो वॉर थी 1799 में लड़ी गई थी। दोस्तों जो पहली तीन लड़ाई थी इनको तो दोस्तों याद रखिए, ये टीपू सुल्तान और इसके पिता हैदर अली ने जीत लिया था ये तीनों बैटल्स को, लेकिन जो चौथी बैटल थी 1799 की, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम भी कहा जाता है, याद रखिए सेरिंगपट्टनम जो कहा जाता है इस बैटल को 1799 को, इसमें दोस्तों अंग्रेज लोगों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था और टीपू सुल्तान इस बैटल में मारा जाता है। ठीक है, अगला है वॉर विद द मराठास। अब दोस्तों अंग्रेज लोगों ने मराठास के साथ कैसे लड़ाई लड़ी, मराठास आपको पता है महाराष्ट्र के इलाके में रूल करते थे, मराठा दोस्तों आपको पता है पानीपत की लड़ाई हुई थी 1761 में, इसमें दोस्तों मराठा की हार हुई थी। ठीक है, पानीपत की लड़ाई आपको पता है किसके साथ हुई थी, क्या कहते हैं अफगान का एक रूलर आया था दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, अफगान का एक रूलर आया था 1761 में, उसी के साथ पानीपत की लड़ाई हुई थी दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, अहमद शाह अब्दाली, याद रखिए अहमद शाह अब्दाली, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी संजय दत्त की, और इसी में दोस्तों पानीपत की लड़ाई में मराठा लोग हार जाते हैं और इसके बाद मराठा का जो एम्पायर है छोटी छोटी डायनेस्टीज में बदल जाता है, जैसे कि सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, गायकवाड़ हो गया, भोंसले हो गया, इनके बारे में हमने क्लास 7th के लास्ट चैप्टर में यानी 10th चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो मराठा का एम्पायर है छोटे छोटे भागों में बट जाता है दोस्तों, लेकिन ये जो डायनेस्टीज हैं आपस में जुड़ी हुई थी दोस्तों एक कॉमन हेड के जरिए, वो कॉमन हेड कौन था, पेशवा, याद रखिए ये जो जितनी भी डायनेस्टी थी होलकर सिंधिया गायकवाड़ ये सारे के सारे जुड़े हुए थे आपस में, किसके जरिए, पेशवा, पेशवा मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट थी, इसके द्वारा जुड़े हुए थे। महाजी सिंधिया दोस्तों और नाना फडणवीस, याद रखिए महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे ये टू फेमस मराठा सोल्जर्स थे, ये बहुत ही दो मराठा फेमस सोल्जर्स थे दोस्तों। ठीक है, 18th सेंचुरी के दोस्तों मराठा की जो लड़ाई है अंग्रेजों के साथ वो टोटल तीन लड़ाई है, याद रखिए मराठा ने जो अंग्रेजों लोगों के साथ लड़ाई लड़ी वो टोटल तीन लड़ाई लड़ी है दोस्तों। पहली दोस्तों 1782 में लड़ी गई थी और इसमें दोस्तों ट्रीटी ऑफ सालाबाई कह लीजिए ये साइन हुई थी अंग्रेजों के साथ, याद रखिए फर्स्ट लड़ाई 1782 में लड़ी गई और इसमें ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन हुई थी। दूसरी लड़ाई दोस्तों जो है 1803 से लेकर 1805 में लड़ी गई थी और जो तीसरी बैटल है मराठा की अंग्रेजों के साथ वो 1817 से लेकर 1900 में लड़ी गई थी, याद रखिए 1817 से 19 में लड़ी गई थी थर्ड अंग्लो मराठा वॉर। ठीक है दोस्तों, और इसी में तीसरी लड़ाई में ही दोस्तों तीसरी अंग्लो मराठा वॉर में ही मराठा की जो पावर है इसको क्रश कर दिया गया था। ठीक है, आफ्टर दिस वॉर पेशवा वॉज डिपोज्ड एंड सेंट टू बिथुर नियर कानपुर ऑन पेंशन, और दोस्तों जो भी आखिरी पेशवा थे इनको पेंशन देकर बोला कि आप जाओ और बिथुर जो जगह है कानपुर में यहाँ पे पेंशन पे रहो, हम आपको पेंशन देते रहेंगे, अब आपका राज्यवाजी खत्म, अंग्रेजों ने इनको ऐसे डिपोजिट कर दिया, मतलब भेज दिया कहाँ पे, कानपुर में, आप जो है कंपनी का सारा कंट्रोल जो है विंध्या के जो साउथ है महाराष्ट्र दोस्तों क्या कहते हैं कर्नाटका इन सब पे है जो कब्जा आ गया अंग्रेज लोगों का। ठीक है, द क्लेम ऑफ क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, अब दोस्तों अंग्रेज लोग जो है कैसे पैरामाउंटेंसी का जो है क्लेम करने लगे इसको समझते हैं। फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी प्रैक्टिस्ड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो मैंने बता दिया दोस्तों भारत में जितने भी पावरफुल रूलर थे उन सबको तो इन लोगों ने हरा दिया, अब दोस्तों ये अंग्रेज लोग है एक तरीके का जबरदस्ती का खेल खेलने लगे और अपनी जो पावर है छोटे छोटे राजाओं पे दिखाने लग गए। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों का एक फेमस गवर्नर था दोस्तों जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखिए लॉर्ड हेस्टिंग जो था गवर्नर था अंग्रेजों का कब से कब तक लोग दोस्तों, ये था 1813 से लेकर 1823 तक, और इसने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी चलाई टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेके, मतलब भाई जमीन को और हड़पना है भारत की, इसी को लेकर इसने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी चलाई, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, द लॉर्ड हेस्टिंग इनिशिएटेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी व्हिच मेंट दैट द कंपनीज पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, समझ में आया पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या है कि जो कंपनी की पावर है वो अंग्रेज जो भारत में जितने भी इंडियन स्टेट्स है उनसे बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है। ठीक है, इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम, और इसने बोला कि भाई हमारे पास इतनी पावर है कि हम जो है किसी भी भारत के राज्य को एनेक्स कर सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एनेक्सिंग पावर थी दोस्तों भारत के कई
जो छोटे छोटे राजा महाराजा हैं उन लोगों ने इस अनेक्सिंग पावर का दोस्तों विरोध भी करा, पावर माउंटेंस का जो अंग्रेज लोग क्लेम कर रहे थे इसका विरोध भी करा। इन्हीं में से दोस्तों कर्नाटक जो आज का राज्य है यहीं पे दोस्तों एक कित्तूर नाम की जगह है, याद रखिये कित्तूर नाम की जगह है, यहाँ पे एक फेमस रानी थी जिनका नाम था रानी चेन्नम्मा। याद रखिए रानी चेन्नम्मा ने दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही भयंकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बाद में दोस्तों इनको अरेस्ट कर लिया जाता है 1824 में और इनको दोस्तों प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। बाद में इनकी 1829 में मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, 1830 आते आते दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिकेम वरिड अबाउट रशिया एज इट वॉज इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों 1830 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों बहुत चिंतित होने लगी, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो रशिया है वो अपना जो है वो भी जमीनों को बहुत ज्यादा कब्जा रहा था, तो अंग्रेज लोगों को डर लगने लगा कि रशिया जो है भारत में आके कब्जा कर सकता है। कहां से? यहाँ अफगानिस्तान की तरफ से आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान वगैरह जो है उस टाइम पे अफगानिस्तान का जो ऊपर का इलाका है कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये सारा का सारा रशिया का पार्ट था। तो अंग्रेज लोगों को डर लगने लगा कि रशिया जो है बहुत पावरफुल कंट्री है और ये धीरे धीरे जो है भारत में कब्जा कर सकती है। ठीक है, इससे हुआ क्या? ड्रिवन बाय फियर द कंपनी फॉट अ लॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान। तो रशिया का खतरा देखकर ही अंग्रेज लोगों ने कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान के साथ 1843 में बहुत लड़ाई लड़ी और बाद में 1843 में दोस्तों अफगानिस्तान को जीत भी लिया और इनडायरेक्ट रूल स्थापित करा। याद रखिए अफगानिस्तान पे कभी भी अंग्रेज लोगों ने डायरेक्ट रूल स्थापित नहीं करा, अपना वहां पे पपेट बिठाकर आ जाते थे और इनडायरेक्ट तरीके से रूल करते थे अफगानिस्तान पे। क्यों अफगानिस्तान पे दोस्तों रूल कर रहे हैं अंग्रेज लोग? वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है अंग्रेज लोगों का, बस एक ही इंटरेस्ट है कि रशिया हम पे अटैक ना कर दे वहां से। ठीक है, सिंध वॉज टेकन ओवर एंड पंजाब वॉज नेक्स्ट इन लाइन। दोस्तों सिंध को कब्जा लिया है, अब दोस्तों अगला नंबर है पंजाब का। पंजाब भी आपको पता है पाकिस्तान और आधा इंडिया में आता है, तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान और इंडिया में जो पंजाब है उस पे दोस्तों अगली नजर है अंग्रेजों की। अब दोस्तों पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। ये दोस्तों कंपनी को बहुत ही लंबी टक्कर दे रहे थे, लेकिन रणजीत सिंह की दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है तो 1849 में, याद रखिए 1849 में ये लोग जो अंग्रेज लोग हैं पंजाब को भी हड़प लेते हैं। तो समझ में आया कैसे जो है अंग्रेज अपना पावर दिखा के भारत के कई राज्यों को हड़प रहे हैं। इसके बाद तो बाद दोस्तों भारत की कई जमीन को कब्जा करने के लिए एक और डॉक्ट्रिन चलाते हैं ये लोग, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसको दोस्तों शुरू करा था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से? 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू करी थी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होती थी दोस्तों इसके तहत अगर भारत का कोई भी रूलर बिना मेल हेयर के यानी बिना अपने मेल चाइल्ड के मर जाता था तो उसका जो किंगडम है ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के हाथ में या कंपनी के हाथ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भारत का कोई भी राजा अगर बेटे के बिना मर गया है ना, उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो सारा का सारा जो किंगडम है वो राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों जो है किंगडम हड़पे भी गए अंग्रेजों द्वारा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सतारा है इसको 1848 में हड़प लिया, संबलपुर दोस्तों है 1850 में हड़प लिया, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में हड़प लिया। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट किंगडम है जिसको जिसका नाम है अवध, जो कि आज के टाइम पे यूपी में है दोस्तों। अवध को दोस्तों याद रखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से नहीं हड़पा गया था दोस्तों, लेकिन इसको बोला था कि ये जो है अवध के राजा ये अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे या मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं अपने राज्य में। याद रखिए मिस गवर्नमेंट के तौर पर इनको हड़पा था। ठीक है, काफी बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि अवध को भी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया था, तो नहीं, वो राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि मिस गवर्नमेंट के तौर पर इनको हड़पा गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये देखिए 1797 में मैप, ये देखिए एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, एरियाज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। तो दोस्तों देखिए 1797 में ये सारा का सारा जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये कोई भी इलाका ब्रिटिश रूल के अंदर में नहीं था, ये जो सिर्फ पीला पीला दिख रहा है ना यही, इतने पे ही दोस्तों अंग्रेज लोग रूल कर रहे थे। लेकिन 1840 तक आते आते पिक्चर देखिए, देखिए इतना सारा जो हिस्सा है सारा का सारा कब्जा कर लेते, तमिलनाडु कर्नाटक मराठा महाराष्ट्र, ये देखिए दोस्तों बंगाल वगैरह यूपी का काफी हिस्सा कब्जा कर लेते हैं। और ये देखिए 1857 आते आते ये 1857 का मैप है, कितना सारा जो पीला पीला दिख रहा है ना, कितना जगह जो है अंग्रेज लोगों ने कैप्चर कर लिया है। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों अब भाई इन लोगों ने कब्जा तो कर लिया भारत के बहुत सारे
जगहों पर, तो भाई अब इनको एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना पड़ेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों गवर्नर बनते हैं 1773 से लेकर 1785 तक। याद रखिए वॉरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर बनते हैं 1773 से लेकर 1785 तक। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। याद रखिए ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग, कहाँ के? बंगाल के। और दोस्तों इन्हीं के अंतर्गत दोस्तों इस टाइम पे अंग्रेजों की तीन प्रेसिडेंसी थी। याद रखिए 1773 में अंग्रेजों की तीन प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तो बंगाल जो थी वो मेन प्रेसिडेंसी थी और इसी के अंतर्गत दोस्तों मद्रास और बॉम्बे को भी संभाला जाता था। तो वॉरेन हेस्टिंग कह सकते हैं दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लेकिन बंगाल में बैठकर मद्रास और बॉम्बे को भी संभालते थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों इस वॉरेन हेस्टिंग ने जस्टिस के मामले में बहुत सारे क्या कहते हैं रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे। दोस्तों इसने 1772 में अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज हैज टू हैव टू कोर्ट्स। तो दोस्तों इसी टाइम पे दो कोर्ट्स जो है वो बना दिए गए। एक कोर्ट तो जो था दोस्तों जिसको फौजदारी कहा जाता था, फौजदारी जो था दोस्तों एक क्रिमिनल कोर्ट था, और दीवानी जो अदालत थी वो एक सिविल कोर्ट था। दोस्तों यही याद रखिए ये सारे के सारे जो रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये अंग्रेजों द्वारा ही निकाले गए थे। दोस्तों इसके अलावा अंडर रेगुलेटिंग एक्ट, अंग्रेज लोग जो है इस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट भी लाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में सुधार लाने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, और इसी के तहत दोस्तों भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट भी जो है एस्टेब्लिश करा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए सुप्रीम कोर्ट भी कौन से एक्ट के तहत स्थापित करा गया था? भारत में पहला रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अब समझते हैं द कंपनी आर्मी। दोस्तों कंपनी की आर्मी जो है वो कैसे बड़ी बनी थी? दोस्तों आपको पता है कंपनी जो है मेजर पावर बन गई इंडिया में, तो भाई इनको आर्मी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो 1820 से लेके दोस्तों द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वॉरफेयर चेंज्ड एंड कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइंड। तो दोस्तों अब जो है टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आने लगा, तो अब अंग्रेज की जो आर्मी थी उसमें इन लोगों को दोस्तों कैवलरी नहीं चाहिए थी। कैवलरी मतलब घुड़सवार ज्यादा उनकी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि भाई अब दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी तोपे आ गई थी, बहुत बड़ी मशीन गन्स वगैरह भी आ गई थी। तो धीरे धीरे अब इन लोगों को दोस्तों कैवलरी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े बड़े हथियार इनके पास आ गए थे। द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप अप विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड दस इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों अब जो है इनके लिए इन्फेंट्री रेजिमेंट जो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए रेदर देन कैवलरी। ठीक है, इन द अर्ली 18th सेंचुरी द ब्रिटिश स्टार्टेड डेवलपिंग अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर एंड सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एंड वर सब्जेक्टेड टू ड्रिल एंड डिसिप्लिन। दोस्तों अब जो है इनकी आर्मी जो है उसको बहुत ज्यादा ये लोग जो है डिसिप्लिन करने लगे, इसके अलावा बहुत ही कड़ी जो है ट्रेनिंग देने लगे और यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर भी इनको सिखाने लग गए। तो कहने का मतलब है अब आर्मी में एक अच्छे से जैसे आर्मी का पर्सन होता है आज के टाइम पे, वैसी ही जो शिक्षा है आर्मी लोगों को ये देने लग गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों अंग्रेज लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इन लोगों ने भारत की जमीनें जो है कब्जाने लगे और धीरे धीरे भारत को जो है अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।